सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल को भगोड़ा करार देने पर सोलन भाजपा मंडल बेहद सुर्ख नजर आया और भाजपा मंडल अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल ठाकुर पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओछी राजनीति की है और वह अब सोलन में हुई मासूम छात्र की हत्या पर भी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है, लेकिन भाजपा ये कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और वह कांग्रेस नेताओं का मुंह तोड़ जवाब देगी। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश कश्यप और भाजपा मंडल अध्यक्ष रविंदर परिहार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सिंह ठाकुर पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने बिना सोचे समझे उनके मंत्री राजीव सहजल को भगोड़ा कहा है, जो बेहद शर्मनाक बयान है। इसलिए वह राहुल सिंह ठाकुर को चेतावनी देते हैं कि वह जल्द अपनी कथनी के लिए मंत्री राजीव सहजल से माफी मांगे, नहीं तो उन पर मानहानि का दावा ठोका जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके मंत्री पहले सोलन में आयोजित कार्यक्रम में भाग ले रहे थे, उसके बाद उन्होंने दूसरे कार्यक्रम में जाना था, इसीलिए वह प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, लेकिन इस बात को कांग्रेस बेबजा तूल देकर बच्चे की मौत पर भी ओछी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। डॉक्टर राजीव सहजल जी, उनको भगोड़ा कहकर एक बहुत बड़ी गलती की है और उन्होंने एक जो सहज स्वभाव के हमारे मंत्री है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा जो एक अभद्र शब्द का यूज किया है। मैं तो ये समझता हूँ कि राहुल ठाकुर जी को जो है जल्दी से जल्दी जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना जो है भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर जो है मानहानि का केस करने में भी गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि जिस मुस्तैदी से हमारी सरकार के आदेश पे और जिला प्रशासन ने तुरंत ही जो ये बच्चे की जो निर्मम हत्या हुई उसमें जो एकदम से उनको पकड़ लिया है हथियारे को, उसके ऊपर जो कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है और ये राजनीति जो है अच्छी नहीं है। कांग्रेस के कुछ नेता किस मुंह से ये बात कह रहे हैं कि सरकार का एक मंत्री जो है भगोड़ा है। इनके राज में गुड़िया जैसा कांड हुआ और होशियार सिंह जैसे कांड हुए, तब तो सरकार आराम से पांच तीन तीन चार चार वर्षों तक कुछ नहीं करती, और अब यहां पे जब तीन चार घंटे के अंदर कातिल को पकड़ करके सलाखों के पीछे कर दिया जाता है, तो ये किस मुंह से कांग्रेस के ये नेता ये कहते हैं कि मंत्री भगोड़ा है। कांग्रेस के ऐसे नेता ऐसे क्षण में भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजनीति करने के लिए बथेरे और क्षेत्र हैं, उनको अन्य क्षेत्र में राजनीति करनी चाहिए, और ऐसी घड़ी में तो हम सबको जिस परिवार ने अपना बेटा खोया है उनके साथ खड़े होना चाहिए।